सुनिए, एहतियात काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला आज या कल सुनाए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में दोबारा फुल कोर्ट मुशावरती इजलास शुरू हो गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत 13 जजेस का मुशावरती इजलास जारी है। समात पर रेड जोन में सिक्योरिटी के फराइज पुलिस और FC अंजाम देगी। सिक्योरिटी प्लान भी सिलसिले में बना लिया गया है। आपको बताएं कि तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक ज़ेरे समाअत मुकदमात से मुतालिका अफराद ही सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया के दाखिले के इजाज़तनामे वाले अफराद भी दाखिले के मजाज होंगे, जबकि वफाकी पुलिस का कहना है कि कानून का एहतराम सब पर लाजिम है, इसका नफाज बराबरी की सतह पर किया जाएगा। रेड जोन को जाने वाले रास्तों की निगरानी और चेकिंग के बाद दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। नून लीग और तहरीके इंसाफ में मुमकिना झड़प के पेश नजर सिक्योरिटी अलर्ट की गई है। डंडा बरदार पुलिस अहलकार तायुनात कर दिए गए हैं। अतर आज दोबारा फुल कोर्ट इजलास जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी रूम में इस वक्त जारी है और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा इस इजलास की सदारत कर रहे हैं।